गोरखपुर के कौड़ीराम क्षेत्र के पूर्व के जिला पंचायत सदस्य निर्दलीय राष्ट्रीय स्वर्णकार संगठन के संरक्षक विनय वर्मा ने 6 फरवरी को अपने समर्थकों समेत भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल में शामिल हो गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। विनय वर्मा के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। मालूम हो कि विनय वर्मा नाम का एक शख्स गोरखपुर से जिला पंचायत का चुनाव लड़ने आया। अपनी धमाकेदार एंट्री से वह चुनाव के पहले ही सुर्खियों में आ गया। भाजपा के गढ़ में निर्दल चुनाव लड़कर जीतने के बाद वह और भी चर्चा में आ गया। उस समय तो भाजपा उनको जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ाने के इच्छुक थी, पर कुछ वजहों से ऐसा नहीं हो सका। बावजूद इसके विनय अपने कार्य व्यवहार से लगातार चर्चा में बने रहे। अब वह विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वह स्वर्णकार समाज से ताल्लुक रखते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समाज की आबादी करीब 6% है। आबादी के अनुसार परंपरागत रूप से भाजपा का वोटर रहे इस समाज का सत्ता में भागीदारी नहीं के बराबर है, इसलिए वह विधानसभा के टिकट के दावेदार हैं। उनकी माने तो यह सिर्फ उनकी नहीं, उनके पूरे समाज की चाहत है। उनके लिए उनके समाज के राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और पिछड़ा आयोग के सदस्य ने भी अपील की है। इसके अलावा समाज से जुड़े नगर पंचायतों, पालिकाओं के अध्यक्ष, चेयरमैन, भाजपा संगठन के विभिन्न जिलों के पदाधिकारी, कई सामाजिक और लगभग हर जिले के स्वर्णकार संगठनों ने भाजपा शीर्ष नेतृत्व को विनय वर्मा को उक्त सीट से टिकट देने की मांग को लेकर पत्र लिखा है। समाज के लोगों का कहना है कि वर्तमान समय में विधानसभा में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है जो हमारे हक व अधिकार की बात को संवैधानिक रूप से सरकार के सामने रखे। इसलिए इस बार विधानसभा चुनाव में हमारे समाज के विनय वर्मा को टिकट देकर विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व तय किया जाए, ताकि सदन में भी हमारे हक हुकूक की बात कोई पूरी दमदारी से रख सके। विनय वर्मा गोरखपुर स्थित बांसगांव तहसील के ऐतिहासिक गांव मलाओं के रहने वाले हैं। वह कौड़ीराम क्षेत्र से 2015 में निर्दल जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। जिला पंचायत सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल उनके कार्य व्यवहार के नाते लगातार चर्चा में रहा। कोरोना काल के दौरान भी उनके द्वारा गांव-गांव मदद पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत सदस्य चुनकर सरकार भी इनके काम को सराह चुकी है। समाज सेवा करते हुए उनको 2 दशक से अधिक हो गए हैं। इधर 1 दशक से वह स्वर्णकार समाज को जोड़ने, उसे जागरूक करने के काम में तन, मन और धन से जुटे हैं। उनके इस जोश, जज्बे और जुनून का उनका समाज भी कायल है। यही वजह है कि वह दिल से चाहता है कि विनय सदन में जाकर उनकी आवाज बने। आज उनके साथ प्रदेश के कई जिलों के उनके संगठन के समर्थक और शुभचिंतक भी अपना दल में शामिल हुए। प्रमुख लोगों के नाम है शाहिल सोनी, अंबेडकर नगर, विपिन सोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, विशाल वर्मा, रवि वर्मा स्वर्णकार, शेखर वर्मा, अमित वर्मा, मोहित द्विवेदी, रमाकांत मौर्य, राजा वर्मा, शमीर रस्तोगी, प्रमोद तिवारी, आनंदी राम वर्मा, संजय रस्तोगी, मोहित वर्मा, गुड्डू सोनी, अमर सिंह, जितेन वर्मा, विशाल वर्मा, धर्मेंद्र सिंह, संदीप सोनी, रघुनाथ सोनी, अरविंद सोनी प्रयागराज, रणधीर सिंह गाजीपुर, अजय सोनी बस्ती, महेश चंद वर्मा नोएडा, संदीप सोनी लल्लन वर्मा, कृष्ण मुरारी, विक्रम वर्मा, पवन वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा अध्यक्ष स्वर्णकार समाज लखनऊ, आशीष सोनी रायबरेली, सुनील सोनी अयोध्या, दीपक सोनी अयोध्या, सागर वर्मा लखनऊ, सुधीर वर्मा, जितेन वर्मा, संजय सोनी, आशीष सोनी, राहुल वर्मा, विकास सोनी, संदीप सोनी, संदीप वर्मा, अमर वर्मा सहित बड़ी संख्या में लोगों ने अपना दल का दामन थाम लिया।